तो चलिए, आपको सबको पता है मैं हूँ जयपुर में, और आज जो मैं बैठा हूँ ना, जयपुर के एक शेफ़ के साथ बैठा हूँ, हनीफ खान के साथ। और क्या बन रहा है सर, पहले ये बताओ। स्टू बन रहा है। स्टू बन रहा है, जयपुर का स्पेशल बफ स्टू बन रहा है, और उसकी पूरी रेसिपी दिखाऊंगा। फार्म हाउस में बैठा हूँ, रात का टाइम है, मज़ेदार मज़ा आने वाला है। और ये जो स्टू बनने वाला है ना, ये बनने वाला है सिगड़ी पर। यहाँ देखिए आप, सिगड़ी देख रहे हैं, और इसके ऊपर देगचा रख चुका है, गर्म हो चुका है बिल्कुल। और सारा जो सामान है ना, जितने भी स्टू का इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब यहाँ पर है। थोड़ा पास से अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर इनके कुछ ख़ास मसाले हैं, इधर हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्च, यहाँ खड़े मसाले, नमक, लहसुन, अदरक, और ये कुछ बुरादा धनिया, यहाँ प्याज, दही, सब कुछ रखा है। तो हनीफ भाई, क्या क्या डलता है इसके अंदर ये बताएं आपसे पहले। घी डालते हैं। अच्छा, घी में बन रहा है अपना। देखो जी, बफेलो का मीट है, और यहाँ पर जयपुरी स्टाइल के अंदर स्टू बनने वाला है एकदम। चलिए, कितने किलो गोश्त का बन रहा है ये? बन रहा है 4 किलो का। 4 किलो गोश्त का बन रहा है, बहुत बढ़िया। और घी कितना डाला हनीफ भाई? घी इसमें डलेगा अपने 1 किलो। 1 किलो, 4 किलो गोश्त का अपना है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब चलेगी प्याज, ये देखें। तो आपको आज बिल्कुल जयपुरी स्टाइल की सीगड़ी स्टू का आपको रेसिपी दिखा रहा हूँ। पुरानी दिल्ली स्टाइल तो आपने स्टू बहुत देख लिया, उनकी रेसिपी भी देख ली, अब थोड़ा जयपुर स्टाइल देख लीजिए। अब ये क्या डलने वाला है जी इसके अंदर? मोटा नमक है। देखो जी, ये मोटा नमक डल चुका, ये जीरा डल चुका, और इसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची सब डल चुकी हैं। ये देखिए जी, इसमें डलेगा लहसुन। लहसुन ले जी, अभी आ गया लहसुन इसके अंदर। तो लहसुन तो बहुत ज़्यादा डाला है, कितना कम से कम? लहसुन 200 ग्राम। 200 ग्राम लहसुन डाला है जी। ग्रेवी से बनेगी। अच्छा जी भाई, कुछ अलग ही होने वाला है जयपुरी स्टू तो। और सबसे अच्छी बात जो है ना, यहाँ पर जब भी आप आते हैं ना, तो यहाँ पर ये देखिए, देखा सिगड़ी पूरी कोयलों में बन रहा है खाना, कच्ची और प्याज के साथ जा रही है। क्या कह रहे हैं? कच्ची प्याज के साथ बन रहा है। अच्छा जी, अच्छा, कच्ची प्याज के साथ, देख रहे हैं। अब इसमें मीट है। और यहाँ पर देखिए, ये आ चुका बफेलो गोश्त, इसको अच्छी तरह धो लिया है बिल्कुल। ये देखिए जी, नली सब कुछ है इसमें, बहुत बढ़िया, और सब डल रहा है इसमें, ये लाजवाब जी। कितने घंटे में? पौन घंटे में। लो जी, हनीफ भाई कह रहा है 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा अपना स्टू। अब इसकी भुनाई होनी है, ये कितनी देर भुनाई चलेगी? ये गोश्त गलाना है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा दही का मसाला घिसना, दही अभी डालेंगे, दही प्याज टूट जाएंगे, उसके बाद दही डालेंगे। ओके। अच्छा, जो ये हमारे हनीफ भाई है ना, जयपुर के अंदर जो शादी भी अभी होती है ना, तो उसके खाने भी सारे के सारे ये सब बनाते हैं, और सब कुछ रेडी कर देते हैं, सारा अरेंजमेंट जितनी पार्टी का होता है सब कर देते हैं। तो वैसे शादी पार्टी का तो सीज़न आने वाला है, चालू है बिल्कुल। तो कितने लोगों तक का बना देते हो आप? 2000, 10000, 5000। अच्छा जी, अच्छा, जयपुर में नॉर्मली शादी में जो लोग होते हैं, कितने होते हैं, कितनी गैदरिंग होती है? कम से कम अपने 2000 आदमी का। 2000 लोगों का होता है। और क्या क्या बनता है यहाँ की शादी में? मैं तो मेन थे वो डिश तो अपने गुलत्ती कोरमा है। हाँ, गुलत्ती कोरमा तो है ही। बाकी तो फिर आजकल फ्राई भी चल रहा है, बिरयानी भी चल रही है। चलिए जी, बढ़िया है, सारा आइटम चल रहा है। क्योंकि मैं भी इस टाइम फार्म हाउस पर आ चुका हूँ, आपको पता ही है, और फार्म हाउस में पूरा सुबह से लेकर शाम तक ही था, और अब रात हो चुकी है। देखिए पीछे देख रहे हैं मेरे, तो दोपहर में मैंने खाई थी बिरयानी, और अब मैं खा रहा हूँ भाई यहाँ पर क्या है, स्टू बनवा कर। तो मैं हनीफ भाई को बुक करके लेकर आ गया था कि भाई अपना सब कुछ रेडी करवाना है, क्योंकि हम आए जयपुर, और जयपुर के जायके ही हमें चखने हैं और दिखाने भी हैं, तो इसलिए हनीफ भाई को लेकर आ गया। तो हनीफ भाई, अब क्या होना है इसमें? इसको ढकना है। ढकना है, गोश्त को गलाना है। और कितने मिनट तक गलेगा? कम से कम आधे घंटे। चलिए जी, अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से मसाले पड़ते हैं ये दिखाइए जरा, यहाँ पर जो रखा हुआ है हनीफ भाई। तो वो जी खाट देख रहे हैं आप, पूरी खाट के ऊपर यहाँ पर हनीफ भाई ने मसाले लगा दिए हैं,
तो ये क्या देख, ये क्या ये बताएं? ये तो लाल मसाला, लाल मसाले में क्या मिलता है यहाँ पर? इसमें जावित्री, जायफल, दालचीनी, इलायची। अच्छा जी, उसके बाद ये अपना, उसके बाद में मोटा धनिया। अच्छा जी, सौंठ कटी हुई। अच्छा, सौंठ भी डलेगी इसमें? अच्छा, और लाल मिर्ची है और हरी मिर्च है। और हरी मिर्च है। और ये क्या है जी? इधर ही आ जाओ, धनिया पिसा हुआ। हाँ, और ये पटना मिर्च है। कौन सी? पटना मिर्च। पटना मिर्च है, ठीक है जी। और ये खोपरे का बुरादा, खोपरे का बुरादा, हल्दी, हल्दी। पटना मिर्चों में क्या होता है ऐसा? पटना मिर्च में पीले कलर का सालन बनता है। पीले कलर का सालन बनता है। मैंने स्टू की जान। और ये इसमें दही भी डलेगा? दही है। तो भाई ये सारे मसाले स्टू के हैं, जयपुरी स्टू स्टाइल में। लो जी, हनीफ भाई ने ये जो रखनी तैयार हो रही ना, गोश्त गल रहा था, देख जी का पतीला हटा दिया। हनीफ भाई क्या कह रहा हो बताओ जरा? अब इसमें डाल रहे हैं दही। अच्छा, दही। और ये गोश्त गल चुका है क्या पूरा? 50% गोश्त गल चुका है। 50% गल चुका है। तो मतलब स्टू का 50% गोश्त गलाने के बाद दही डलता है? दही डलता है, अभी दही के पानी में गलेगा गोश्त। अच्छा जी, और कितने किलो दही डल रहा है ये? इसमें डल रहा है 1.25 किलो दही। 1.25 किलो दही। लो जी, 1.25 किलो दही देख लीजिए आप। दही के बाद में इसके अंदर ये दही की पूरी खिंचाई करने के बाद में आधे घंटे बाद। अच्छा, अदरक लगाने में। मतलब ये दही आधे घंटे, दही डाल के आधे घंटे और पकेगा? आधे घंटे इसकी खिंचाई करके फिर इसमें अदरक लगाने में। अच्छा जी, ये खिंचाई क्या होता है? भुनाई होगी इसकी। अच्छा, भुनाई। भाई भुनाई करनी है, मतलब खिंचाई का मतलब ये है। देखिए जी, 1.25 किलो दही डल चुका है और गोश्त अगर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है बढ़िया करके, देख रहे हैं आप ये। चलिए जी, अब आधे घंटे के बाद दिखाता हूँ मैं, अब इसमें मसाला डालना स्टार्ट होऊंगा। हाँ जी सर, कहाँ तक पहुँची कहानी है हमारे स्टू की? तो 75% पे आ चुका है। लो जी, 75% पे आ चुका है। अच्छा जी, रंगत तो बहुत बढ़िया लग रही है। और गोश्त कितना गल गया? 75% दिखाओ जरा, कोई पीस उठाकर दिखाओ। देखो जी, ये बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब क्या डालना है जी इसमें? अदरक डालनी है और उसके बाद डालना है अपना हल्दी। अच्छा जी, लो जी, अभी अदरक का पेस्ट आ गया। और कितने डाला है पेस्ट? ये 200 ग्राम अदरक का पेस्ट। जयपुरी स्टू के अंदर यहाँ पर क्या अदरक और लहसुन ज़्यादा जा रहा है? ग्रेवी सीखी बनेगी। अच्छा जी, अच्छा, ग्रेवी मांगता है इसमें आदमी ज़्यादा। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी है? लो जी, ये आ गई हल्दी। और हल्दी बड़ी अच्छी क्वांटिटी में डाली है भाई साहब, देख रहे हैं आप। अब ये पूरा रेडी होने में कितना टाइम लेगा? 20 मिनट खाएगा कम से कम। अच्छा जी, 20-25 मिनट और लेंगे जी। बाकी रंगत तो अच्छी आ चुकी है जी। ये लगते हैं। हाँ जी, हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया। इसके अदरक की भुनाई होना बाकी है। कि मैं आपको सोचा कि जब जयपुर आया हूँ तो आपको यहाँ की जो पुरानी रिवायती खाने हैं वो तो दिखाऊँ। उसके साथ साथ जैसे पुरानी दिल्ली की मैं आपको रेसिपी दिखाता हूँ ना, तो ऐसे ही मैंने चाहा कि आपको जयपुर के खानों की भी रेसिपी दिखा दूँ। अच्छा, अब जो जयपुर के चाहने वाले लोग हैं, जो जयपुर के सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो मुझे बताइएगा कि सही रेसिपी है, ऐसे ही बनता जयपुर में या नहीं बनता, ठीक है ना। अभी कुछ और वीडियोज़ भी बाकी हैं, वो भी आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। बाकी अब जैसे स्टू बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं आपको उस स्टू से रूबरू कराता हूँ बढ़िया कर, और फिर एंड में चखेंगे और उसका जायका आप तक पहुँचाएंगे। बाकी आप सबको अगर हनीफ भाई का नंबर चाहिए, आपको कुछ बनवाना है इनसे, तो मैं इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर शो हो जाएगा, तो आप भी इनको कॉल कर सकते हैं। पुराने जयपुर के हैं, बिल्कुल माने जाने हनीफ। तो चलिए, अब बिल्कुल जयपुर स्टाइल के अंदर जो अपना स्टू था ना भाई, वो रेडी हो चुका है। और हनीफ भाई जो हमारे हैं ना, सिगड़ी के ऊपर हमारे लिए स्टू बना रहे थे। देख रहा माशाल्लाह, पास आके दिखाएं जरा। चापे, खड़ी चापे, ये देख रहा है, खड़ी खड़ी चापे। और ये देखें, मैं दिखाऊं आपको, और रंगत आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये तो अभी बिल्कुल पुरानी दिल्ली वाली रंगत आई हुई है। कच्ची प्याज के साथ बना हुआ है, कच्ची प्याज के साथ, मजेदार। देखें पास से, देखें ये, देख रहे हैं, लाजवाब एकदम। अच्छा जी हनीफ भाई, अब क्या क्या डलेगा इसमें? अब इसमें मसाले पड़ने के हैं। क्या क्या मसाले हैं इसमें? ये अब डलेगा अपना धनिया, नारियल, नारियल। देखो जी, धनिया कुटा हुआ और नारियल का बुरादा डालिए जी। बिस्मिल्लाह, ये डल चुका जी। अब इसके बाद क्या डलना है जी? अब इसके बाद डलना है ये कौन सा मसाला है जी? ये अपने जमा मिर्च है। जमा मिर्च है, ये कहाँ से आती है? ये सुखा के पीसी जाती है इसको। अच्छा, सुखा के पीसी जाती है भाई। ये कुछ स्पेशल मिर्चें हैं यहाँ की, जयपुर तैयार की हुई है। अच्छा, घर की तैयार की हुई है। चलिए जरा दिखाइएगा इसमें, जरा चेक करो आप।
इसमें डालिए पहले। हाँ पहले भाई मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। तेजी देखो आप इसकी, तेजी देखो इसकी भाई, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये, बिल्कुल कम डलेगी इसमें जरा सी, जो बच्चे भी अपने खाने वाले। अच्छा इसमें कुछ और मसाले भी, खाली एक मिर्च है बस? मैं अभी इसमें मसाले अपने जावित्री जायफल नहीं नहीं, ये जो बना रखा है आपने, खाली जमा मिर्च है। जमा मिर्च है भाई, जो जमा मिर्च है ना, ये जो भी है लेकिन बड़ी खतरनाक है भाई, देख रहे हो इतने सारे सालन में इतनी सी डलियाँ बसी है। अब इसमें ये मोटी लाल मिर्च है, अब जी ये मोटी लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, सौंठ है और मोटा धनिया, सौंठ भी डल रही है। चलिए जी पूरा सामान डाल दिया, बहुत बढ़िया, चलाइए आप इसको, चलाओ। लो जी हनीफ भाई ने कहा था चलाओ आप अपने हाथों से, तो ज़रा आज आपका भाई है ना बढ़िया करके इसका स्टेटस चेक करो आप, चेहरा मिलाओ पूरा, देख रहे हो जी। तो भाई आज हनीफ भाई ने कह दिया कि आप अपने हाथों से बनाओ, तो ज़रा मैं भी बना रहा हूँ बढ़िया करके एकदम। अब ये क्या है हनीफ भाई कह रहे हैं, ज़रा इसका स्टेटस चेक करो, मसाला चेक कर लूँ ज़रा, देखो जी ये देख रहे हैं माशाल्लाह मसाला, लेके भी चेक करो क्या मानते हैं। अब ज़रा वाह भाई, मिर्ची में कोई कमी थोड़ी है, नमक मिर्ची सब बराबर है, और मैं आपको बताऊं 80% बिल्कुल पुराने दिल्ली स्टाइल है भाई, है इसमें मिर्ची बढ़ाने की है क्या थोड़ी? नहीं 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 बिल्कुल सही है एकदम, बिल्कुल सही है एकदम। ये देखो जी नली देख रहे हैं आप, गोश्त भी लाजवाब वाला है बिल्कुल। जाल चेक करो, दिखाओ जी दिखाओ जरा, जाल चेक कैसे होता है, जाल कैसे चेक होता है, जाल बताएंगे, जाल दिखा रहा हूँ आपको। देखो जी हनीफ भाई कुछ चेक करवा रहे हैं, जाली आ रही है, देखो जी हाँ जी हाँ जी, मतलब ये जाली उसे बोल रहे हैं, दानेदार जिसे हम बोलते हैं ना पुरानी दिल्ली के अंदर दानेदार मसाला, तो अपने जयपुर के अंदर बोलते हैं जाल, हाँ तो जालीदार मसाला भाई ये, इसकी जाली से चेक ये देखो जी, जैसे हम बोलते हैं ना दानेदार कौरमा, तो यहाँ पर जयपुर में क्या है जालीदार चल रही है, जाले चेक कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो भाई सीखते रहते हैं जयपुर से जब आए, तो हथेली से नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे? अच्छे जी, चलिए जी भाई थोड़ा सा रोगन आ जाएगा ना, सवाद नहीं आएगा। जरा अनिप भाई ने बोला ये चेक करिए, परफेक्ट है जी बिल्कुल, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही अभी, लेकिन अभी कुछ डलना है इसमें? अब सब डल चुका, सिर्फ लास्ट में वो गरम मसाला डालना, बस भाई लास्ट में गरम मसाला डालना, बाकी सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब सर्व करेंगे ना देख खुलेगी, जब आपको गरम मसाला डलते हुए और फिर इसका जायका आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी इतने आप वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 जल्द से जल्द करा दें इसी साल इंशाल्लाह, तो मज़ा आ जाए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ, अल्लाह के हाथ में, बाकी सब आपके हाथ में, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, आपने इतना सपोर्ट करा कि माशाल्लाह मैं 40,000 तक पहुँच गया, और आप सभी 50,000 तक इस साल करा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए जी हनीफ भाई ने कह दिया रेडी हो चुका है, हाँ जी रेडी हो चुका है, देखो जी स्टेटस देख लो आप, व्हाट्सअप का स्टेटस तो देखते हो, बाकी अब स्टू का स्टेटस देखें आप, ये देखो जाली देख रहे हैं आप, जाली आ गई, ये लाजवाब बिल्कुल एकदम, हरी मिर्च जवाबी, ये देखो हरी मिर्चे बोटी सब आ चुका माशाल्लाह। देखो अब वो लास्ट जो मसाला है ना, ये रहा जो हमारे हनीफ भाई खुद बना के लेकर आते हैं इनके, वो ये है हाँ जी, ये है वो खुशबू, चेक करो आप खुशबू इसकी, खतरनाक है दिखाने जरा, हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा दालचीनी की, बड़ी इलायची की, जावित्री की, सबकी आ रही है, ये डल गया बस जी, ये लग गया मसाला काफ़ी है, बहुत बढ़िया। अच्छा हनीफ भाई आपका नाम तो हनीफ खान है, हनीफ खान, और किस नाम से जाना जाता है आपको जयपुर में? गामा भाई, गामा भाई, देखो जी इनका नाम हनीफ खान है और गामा भाई से मशहूर ही है, गामा पहलवान नहीं गामा भाई, बस सैयद कॉलोनी नई पुलिया के पास। अच्छा जी चलो जी बढ़िया है, बाकी इनका नंबर वंबर सब आपको स्क्रीन पर, कॉन्टेक्ट नंबर सब दे दूंगा मैं, ये देखो किसी को भी जयपुर में खाना बनवाना हो इसका स्टेटस चेक करो, देखो जी स्टेटस देखें आप बिल्कुल पास से, देख रहे हैं दानेदार बिल्कुल जालीदार, बहुत बढ़िया, गोश्त की गलाई भी देख लो, हाँ जी हाँ बहुत लाजवाब। देखो जी खाना खाने से पहले देख लो माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर गामा भाई ने बनाकर दे दिया हमें स्टू की, और ये हमारे दूल्हा भाई बैठ चुके हैं निकालने के लिए, चलिए जी ये देखें, देख रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन लग बढ़िया रही है भाई कुछ भी बोलो, ये देखें ये देखें, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, देख रहे हैं लाजवाब।
और ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होती रहेंगी और ऐसे ही खाना है बस। बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, सबके साथ बैठ चुका हूँ माशाल्लाह खाना खाने के लिए। स्टू की प्लेट निकल चुकी है हमारी, आपके सामने निकाली है, और गोश हड्डी वाला बोटी वाले सब है मेरे पास। ये चाप पूरी आ चुकी है, ये देख रहा है, और बहुत ही गर्म हो रहा है। अब खा रहे हैं स्टू। ये मज़ेदार है भाई सच में। तो अब आपको रेसिपी पता लग गई जयपुर स्टाइल स्टू की, मज़ेदार वाली बिल्कुल। मुझे तो मज़ा आ गया, लाजवाब है। इसको आप मटन में भी, चिकन के अंदर भी आराम से इसी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। हमने बफेलो बनवाया, मज़ेदार बिल्कुल। तो चलिए जी, माशाल्लाह आज का दिन बहुत बढ़िया रहा गामा भाई के साथ, हनीफ खान के साथ। मतलब हनीफ खान का असली नाम है, और जिस नाम से फेमस है ना जयपुर में, वो है गामा के नाम से। माशाल्लाह बिरयानी बना के खिलाई जयपुरी स्टाइल के अंदर, सीगड़ी वाली, उसमें भी मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने आपको रेसिपी दिखाई भाई साहब यहाँ के जयपुरी स्टाइल स्टू की, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तो अब क्या है, गामा भाई से, इस फार्म हाउस से अभी लेता हूँ इजाज़त। बाकी अभी जयपुर की बहुत सारी वीडियोज आना बाकी हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन जाते जाते अगर आपको कोई भी जयपुर के अंदर आपको कोई भी खाना बनवाना हो, कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो मैं आपको गामा भाई का कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप दिल्ली से भी आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, आप फार्म हाउस पे आ रहा हो, चाहे कहीं से भी फार्म हाउस पे आ रहा हो, कोई भी आपको अगर बावर्ची चाहिए ना बढ़िया ऑथेंटिक, जैसे हम बोलते हैं मुगलाई खाना दिल्ली का, ऐसे ही जयपुर का खाना चाहिए ना आपको, तो आप गामा भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे आपके साथ। तो चलिए, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन शो हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से जयपुर के जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।